हिसार के दड़ोली गांव के कोरोना पॉजिटिव मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले में युवक को लिफ्ट देने वाले एक व्यक्ति का जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पता लगा लिया है। इस व्यक्ति को विभाग ने जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया है और उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। दड़ोली निवासी युवक को लिफ्ट देने वाला व्यक्ति हांसी का निवासी है और हिसार की एक बड़ी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अगर ये व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उक्त फैक्ट्री के बहुत से कर्मचारियों को कोरोना जांच में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने दड़ोली के युवक को 23 अप्रैल को लिफ्ट दी थी और इसकी जानकारी 5 दिन बाद मंगलवार को मिली है। इसमें अपडेट ये है कि हम जो दड़ोली वाले ने हमने बताया था कि मैं पैदल आ रहा था पीछे से कैंट से और रास्ते में मैंने एक स्कूटी से लिफ्ट ली थी। उस स्कूटी वाले को ढूंढने के लिए हम कल के लगे हुए थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। पहले हम कल शास्त्री नगर में थे, फिर आज हमने CCTV खंगाले, जितने भी उस रोड के CCTV हैं, जिंदल वाला जो अपना बाईपास है वहां से लेकर और जिंदल चौक तक, तो हमें फिर जितने भी सैनी स्वीट्स का है, सन सिटी का है, मॉडर्न ऑटोमोबाइल वालों का है, कजरिया टाइल वालों का है, हमने सबके CCTV खंगाले। फिर मैंने सोचा भी ये इस बंदे को ये देखे भी ये बैठा कहाँ से है, पहले ये पैदल कहाँ से आ रहा था। फिर हम पैदल के लिए हम आगे मॉडर्न ये हुंडई मोटर्स के पास, हुंडई मोटर्स वालों से बात की तो उन्होंने हमें दिखाया कि ये जो दरोली वाला युवक है संदीप, और ये 5:35 पे एक बाइक से उतर रहा था। फिर उस बाइक को वाले को ढूंढने के लिए हम फिर जिंदल वाले जो स्टाफ थे उनके पास आए, उनसे पूछा कहीं भाई ये तुम्हारा स्टाफ का तो नहीं, बाई चांस उनसे सभी से सलाह मशवरा करके मिल गया। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो 23 तारीख की बात थी उस बात को 5 दिन हो चुके हैं, और ये फिर यदि ना हम इनको डिटेक्ट करते तो फिर ये परिणाम गंभीर हो जाते हैं। कल के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी की जाएगी। नहीं, अभी कोई डायरेक्शन नहीं, अभी तो इनका सैंपल लेके आज आइसोलेशन में भेज दिया गया है, उसके बाद इनकी हिस्ट्री देखेंगे भी क्या क्या, यदि कोई जरूरत है, यदि ये पॉजिटिव नहीं आते हैं तो फिर हम इन्हें होम क्वारंटाइन कर देंगे, इनके पूरे घर को, सभी घर वालों के सैंपल ले लेंगे। बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति के बारे में स्वास्थ्य विभाग को कोरोना पॉजिटिव मरीज ने जानकारी नहीं दी थी। इसका पता तो तब लगा जब डॉक्टर पूनिया अपनी टीम के साथ एक दूसरे सब्जी वेंडर को ढूंढ रहे थे, जिसने इंडस्ट्रियल एरिया पुल से लेकर सब्जी मंडी चौक तक युवक को लिफ्ट दी थी। कहने का मतलब ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज ने हिसार कैंट से सब्जी मंडी हिसार आने तक 2 लोगों से लिफ्ट ली थी, लेकिन जानकारी एक ही व्यक्ति को दी। पहली लिफ्ट उसने हिसार कैंट के पास मारुति गाड़ी के शोरूम से लेकर हुंडई ओरियन के शोरूम तक ली थी। हुंडई ओरियन शोरूम के बाहर लगे CCTV में उक्त युवक सिक्योरिटी गार्ड की मोटरसाइकिल के नीचे उतरता नजर आ रहा है। उसके बाद से दड़ोली निवासी पॉजिटिव मरीज किसके साथ सब्जी मंडी चौक तक लिफ्ट लेकर पहुंचा, उसका अभी पता नहीं लग पाया है, जो चिंता का विषय है। अब तो बस उक्त सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट का इंतजार करना होगा, उसके रिजल्ट के बाद ही आगे ही कार्रवाई की जाएगी। अगर वह पॉजिटिव मिलता है तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ढूंढकर सबको क्वारंटाइन किया जाएगा, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी इस सिक्योरिटी गार्ड को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा।